नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। और आज मैं आप लोगों के जो है फिगर काउंटिंग लेकर आया हूँ। फिगर काउंटिंग की क्लासेज मैंने एक बार आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी और दूसरी बार मैं आप सबके सामने क्लासेज लेकर आया हूँ। और क्योंकि आप लोगों ने पेपर दिया होगा और उसमें देखा होगा कि फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन वहाँ पर कंटिन्यू पूछ रहा है और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है जो इससे पहले एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप इनको कर पाते हैं तो आगे भी करने में कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो पेपर है बहुत ही मॉडरेट आ रहा है। हर लड़का कर सकता है जो वाकई में थोड़ा सा मेहनत किया है, सब सब्जेक्ट में उसने थोड़ा बहुत काम किया है। किसी एक सब्जेक्ट में काम करके हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, हमको विद्वान नहीं बनना, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें सारे सब्जेक्ट पर काम करना होगा, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठना ये थोड़ा सा मूर्खता वाला कार्य हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ध्यान देना है कि आपको सारे सब्जेक्ट में बराबर कमांड करना है। अगर आप SSC में एक बैठने वाले हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका GS हो और चाहे फिर वो आपका इंग्लिश हो, सब में आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी का, यूपीटेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, PCS का और JC NET का जो फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेंगल्स की संख्या टोटल कितनी बनेगी। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को ध्यान से देखना है और बताना है कि यहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे, 23 बनेंगे, 22 बनेंगे, 25 बनेंगे या फिर 29 त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए दोस्तों बताइएगा कि टोटल यहाँ पर ट्रेंगल्स की संख्या कितनी बनेगी। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। बहुत ही सावधानी के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और टोटल त्रिभुजों की संख्या हमको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। बता दीजिए सभी लोग कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों पहले आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर हम 6 में डबल करें तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर 12 ट्रेंगल तो आपके इस वर्ग के अंदर बनेंगे। और यहाँ पर 12 और 3 15 15 और 3 कितना हो गया, 18। 3 और 3 6 और जोड़ेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो टोटल हमने यहाँ पर 18 ट्रेंगल इतने बना लिए। कितने बना लिए, 18 ट्रेंगल। अब जब हमने 18 ट्रेंगल बना लिया है तो इसके बाद यहाँ पर कुछ और ट्रेंगल है जो आप नहीं काउंट कर पाए हैं। एक ट्रेंगल यहाँ से यहाँ तक, एक बड़ा वाला ये बनेगा। अगर एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा, इधर भी वही चीज़ होगी, एक बड़ा वाला यह इधर से इधर बनेगा, इधर से इधर बनेगा। तो 4 ट्रेंगल आपके और बनेंगे, तो 18 और 4 22। और जिन बच्चों ने 22 आंसर दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 22 ट्रेंगल बनेंगे। और आपको मैं एक बार फिर से बना के दिखा दूँ, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ से आपको देखना है कि 22 ट्रेंगल बनेंगे, ठीक है, टोटल 22। देखो पहले मैंने इसको इतना काउंट किया था, पहले इसको मैंने इस वर्ग के अंदर का नियम जो आपको पता है कि जो लगाया जाता है, तो इसमें टोटल पहले कितने ट्रेंगल बनेंगे, जो रेड पेन से आपको दिख रहा है, इसमें पहले आपको ट्रेंगल निकालना था। तो इसमें नियम क्या कहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसका डबल कर देंगे तो 6 दूना 12 ट्रेंगल ये बने। तो 3 यहाँ पर आपके बन रहे थे, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो 3 ये 3 ये, तो 3 और 3 6 तो 12 और 6 18। अब इसके बाद आपको पता है कि हमने कुछ ट्रेंगल काउंट नहीं किया और वो ट्रेंगल कौन से हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा वाला ट्रेंगल हमने नहीं काउंट किया था, इधर भी नहीं काउंट किया, 2 इधर और 2 इधर ये बड़े वाले ट्रेंगल हमने काउंट नहीं किया था, 4 हो गए। तो 18 4 टोटल कितने बनते हैं, 22 ट्रेंगल। तो पहले का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला, और अगर पहले का सेकेंड वाला आप लोगों ने 22 ट्रेंगल का आंसर किया है तो निस्संदेह दोस्तों प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फिर से आपके ट्रेंगल्स की संख्या पूछ रहा है। देख सकते हैं कि SSC CHSL 19/4/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको नंबर ऑफ ट्रेंगल्स की संख्या बतानी है, बताइए टोटल इसमें कितने ट्रेंगल बनेंगे, ये आप लोगों को ध्यान से देखना है और बताना है। तो ध्यान से देखो और बताओ, यहाँ पर 10 बनेंगे, 13 बनेंगे, 12 बनेंगे या फिर 11 ट्रेंगल बनेंगे, ये आपको देखकर बताना है। बताइए दोस्तों यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कितने ट्रेंगल बनेंगे। तो अगर पहले इस वाले बेस से देखेंगे तो इस वाले बेस से देखेंगे तो 3 ट्रेंगल बनेगा, और इस वाले बेस से देखेंगे तो 3 ट्रेंगल, 3 और 3 6, तो 6 ट्रेंगल हमारे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है, 6 ट्रेंगल। और इसके बाद यहाँ पर देखें तो 3 ट्रेंगल यहाँ बनेगा, तो 6 और 3 9 और प्लस
अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो ए के बड़ा वाला बनेगा और ए के छोटा वाला बनेगा, तो यहां पर 6 3 9 और एक दो, तो 6 3 9 और 2 11, तो टोटल यहां पर 11 ट्रिंगल बनेंगे। अगर आपने इसको ट्रिंगल काउंट किया है ये वाला, तो ये कहीं से भी कोई ट्रिंगल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको ट्रिंगल के रूप में काउंट करते हैं तो ये कहीं से भी आपका ट्रिंगल नहीं है, ये ट्रिंगल, लेकिन ये पूरा बड़ा वाला ये जरूर ट्रिंगल है, बड़ा वाला। इसको मैंने एक काउंट किया है, एक छोटे वाले को काउंट किया है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या जो बनेगी दोस्तों वो 11 बनेगी, और 11 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो दूसरे का जो आंसर होगा 4 आएगा, और जिन बच्चों ने टोटल यहाँ पर 11 त्रिभुज 11 ट्रिंगल बताया है उन सभी बच्चों का यह प्रश्न दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा आसानी से और नॉर्मल तरीके से एक एक करके लेकर बढ़ना है, तभी प्रश्न को कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे में, ऐसे ट्रिंगल की संख्या आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने ट्रिंगल बनेंगे। बताइए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए इसमें 29 बनेंगे, 31 बनेंगे, 27 बनेंगे या फिर 33 बनेंगे, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के प्रश्न का आंसर का, यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या क्या बनेगी, ये आप लोगों को बताना है। बताओ भाई कितने ट्रिंगल बनेंगे टोटल। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने कहा था अगर इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4, तो 4 2 9 8 ट्रिंगल इसमें बनेगा, 8 ट्रिंगल इसमें बनेगा, 8 ट्रिंगल इसमें बनेगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ट्रिक के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। और मैंने कहा था कि अगर कोई एक लंबवत रेखा किन्हीं दो आकृतियों को जोड़ती है तो वहाँ 2 ट्रिंगल बनता है, ये भी 2 रही, यहाँ भी 2 ट्रिंगल बनेगा। वो कौन से 2 ट्रिंगल है देख लीजिए, एक बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक बनता है, ये वाला ट्रिंगल, ये जो आप एक इधर से तो एक इधर से, वही 2 ट्रिंगल यहाँ काउंट किए गए हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी, ये 2 बड़े वाले इधर से बनेंगे और एक ही बड़ा वाला इधर से, वही 2 ट्रिंगल यहाँ काउंट किए गए, देख पा रहे हैं कि नहीं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बने, यहाँ पर 8 बने, यहाँ पर 8 8 8, तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान देगा तो 8 3 24 24 और 4, तो 24 और प्लस 4 टोटल कितने हो गए, 28। तो 28 ट्रिंगल ती हो गए और 3 ट्रिंगल इसमें बनेगा, तो 28 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 28 और 3 कितना निकल कर आएगा, 31। यहाँ पर 31 ट्रिंगल बनेंगे, और 31 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा वो 31 आएगा, और अगर आपने 31 आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग वहां तक पहुंच पाए होंगे। आते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नंबर ऑफ ट्रिंगल्स की संख्या बताना है, बताइएगा टोटल इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। SSC CSSL 19/4/2021 का क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से होगा। बताइए टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 8 बनेंगे, 10 बनेंगे, 6 बनेंगे या फिर 11 त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने बनेंगे, उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे लेकर क्वेश्चनों को बढ़ने वाले। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखें तो इसमें देखा जाए तो एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो 3 ट्रिंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। और एक ट्रिंगल यहाँ पर, एक ट्रिंगल यहाँ पर, एक ट्रिंगल यहाँ पर, तो 3 और 3 6 कितने बन गए, 3 3 6 ट्रिंगल यहाँ पर बना के दिखा रहा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमको जो है अगर देखा जाए तो 3 3 6, अगर इसमें ध्यान से देखें तो 1 2 3 ट्रिंगल ये बन गए, देखो 1 2 3, और यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, तो 3 ट्रिंगल हमारे ये बन गए, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से हमने इसको बना लिया, अब यहाँ से जब हम बनाएंगे तो एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक एक ट्रिंगल ये बनेगा, एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक एक ट्रिंगल आपका ये बनेगा, एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक एक ट्रिंगल ये बनेगा, तो 3 ट्रिंगल और बन गए, 3 हमने और बना लिया। क्या हम यहाँ से और भी ट्रिंगल का निर्माण कर सकते हैं, ये हमको सोचना है कि और भी कुछ ट्रिंगल बनेगा, अगर बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 3 6, अब यहाँ पर ऑप्शन में 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है और 11 भी है। अब बताना है कि इसमें से क्या और भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है या फिर नहीं। बताओ भाई नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 6 तो मैंने निकाल लिया है, अब यहां से और भी कुछ बन रहे हो तो वो हमको ध्यान से देखना है और बनाने का जो है प्रयास करना है, ठीक है।
तो छः तो हमें दिख गए, ठीक है, छः तो हमें क्या किए दिख गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या और भी ट्रेंगल यहाँ बन रहे हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ से अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ से ये ट्रेंगल यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक ये बनेगा, और इसके बाद और भी थोड़ा सा हमको सोचना है। तो चलिए अब तक आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। तो दोस्तों अब ध्यान से देखें, तो हमने ये छोटे छोटे वाले काउंट कर लिए, एक ये बड़ा वाला ट्रेंगल, एक इधर से इसको काउंट करेंगे और एक बड़ा वाला ट्रेंगल इसको काउंट करेंगे, तो दो ट्रेंगल और बन जाएंगे। तो तीन तीन छः और दो कितने हो गए, आठ, और आठ का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, आठ का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आठ आएगा, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच को ध्यान से देखें, कह रहे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस आकृति में आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रेंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइएगा टोटल इसमें कितने ट्रेंगल बनेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बताइएगा टोटल इसमें ट्रेंगल कितने बनेंगे। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो तीन तो इसमें बनेगा, छोटा सा क्वेश्चन है, तीन इसमें बनेगा, तीन इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, बोलो। तो तीन तीन छः और दो आठ, आठ ट्रेंगल हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ से एक ट्रेंगल ये, एक ट्रेंगल ये, दो यहाँ पर हो गए, एक ट्रेंगल ये बनेगा, एक ट्रेंगल ये बनेगा, एक ट्रेंगल, तीन और दो पाँच, तो यहाँ पर पाँच ट्रेंगल और हो गए, कितने हो गए, पांच ट्रेंगल और हो गए, कितने हो गए, पांच ट्रेंगल और हो गए, तीन दो पांच, ठीक है। एक देखो, तो दोस्तों यहां से एक हमने इसको बनाया, एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल ये है, और इसके बाद यहां से हमने देखा तो तीन एक दो तीन, ठीक है, ये और इसके बाद और भी कुछ बनेगा वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो पांच ट्रेंगल बन गए, तो आठ और पांच कितना हो गए, तेरह, तो तेरह ट्रेंगल तो हमने यहां से देख लिया। क्या हमें यहाँ पर और भी कुछ मिस हो रहे हैं, थोड़ा जब ऐसे प्रश्न आए थोड़ा सावधानी से हमको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ डाटा जब मिस होता है तो फिर वहाँ प्रश्न हमारा क्या करता है, गलत होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने यहाँ से देखा कि टोटल। अब देखो इसके बाद अगर ध्यान से देखें तो एक हमारा ये बड़ा वाला ट्रेंगल छूट रहा है, ये बड़ा वाला ट्रेंगल छूट रहा है, तो एक और जोड़ेंगे तो आठ पाँच तेरह और एक चौदह, तो टोटल यहाँ पर चौदह ट्रेंगल बनेंगे। पांचवें का जो आंसर आएगा तेरह वाला, तो बड़ा वाला हमने देखो छोटे वाले तो एक एक काउंट किया था, यहाँ एक एक सब छोटे वाले काउंट किया, लेकिन ये बड़ा वाला काउंट नहीं कर रहे थे। तो आठ पांच तेरह और एक चौदह, यहाँ पर जो ट्रेंगल की संख्या बनेगी दोस्तों वो टोटल कितनी बनेगी, चौदह, मतलब 14। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, यहाँ पर अपनी हिंदी वीडियो का, पेट का आर ओ ए आर ओ और लेखपाल का, तो यहाँ पर जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेंगल की संख्या को बताना है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आठ हैं, दस हैं, नौ हैं या फिर ग्यारह। तो चलो बताओ भाई इसमें टोटल कितने ट्रेंगल बनेंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो, टोटल ट्रेंगल की संख्या यहाँ पर कितनी बनेगी, आठ बनेगी, दस बनेगी, नौ बनेगी या फिर ग्यारह बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें तो मोटा मोटा तीन तो यहाँ पर है आपका, मोटा मोटा तीन यहाँ पर है आपका, एक ट्रेंगल आपका ये है, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेंगल आपका ये, कोई ट्रेंगल नहीं है, एक ट्रेंगल आपके, तो तीन तीन छः और तीन नौ, तो नौ ट्रेंगल ये बन गए। और एक ट्रेंगल अगर आप ध्यान से देखें, एक ट्रेंगल अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा वाला ट्रेंगल हमने अभी नहीं देखा, ये एक ट्रेंगल यहाँ से बड़ा वाला बन रहा है, तो एक ट्रेंगल और बनेगा, तो नौ और एक कितना बनेगा, दस, बस यही आपके दस ट्रेंगल बनेंगे। और दस कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ग्यारह ट्रेंगल नहीं बनेंगे, आपको ध्यान देना है, टोटल यहाँ पर दस ट्रेंगल बनेंगे। और मैंने आपको काउंट करके दिखा दिया है, तीन छोटे वाले में एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीन यहाँ पर और एक ये बड़ा वाला, तो नौ और एक दस। अगर आपने नौ आंसर किया है तो गलत है, अगर आपने दस ग्यारह आंसर किया है तो गलत है, टोटल आंसर कितना आएगा, दस। तो छठवें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। ऐसे प्रश्नों में अगर आप काउंट करते हो तो काउंट करने के बाद भी एक बार थोड़ा सा ठहर जाइए, एक दो चार पाँच सेकंड के लिए कंसंट्रेट कर लीजिए अपने आप को कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो छूट रहा है वो मिल जाए। क्वेश्चन नंबर सात का आंसर बताइएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। यहां पर आपको आयत की संख्या बतानी है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो यहां पर आपको आयत की संख्या बतानी है। दोस्तों जब आयत की संख्या बताना होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रॉस है इनको निकाल दो दिमाग से, ये जो क्रॉस है इनसे कोई आयत का निर्माण नहीं होता। यहां देखें एक दो तीन इधर है, एक और दो इधर, इन सबको जोड़ लो, तो तीन दो पांच और एक कितना हो गया, छह, एक और दो कितना हो गया, तीन। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो छह त्रिका अठारह,
तो यहाँ रेक्टेंगल की संख्या जो बनेगी 18, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ कि जो क्रॉस का है साइन है, क्या इनसे हम किसी भी आयत का निर्माण कर पाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का था, हमारा डायग्राम कुछ इतना था, और बाकी वो आपको जो था वो बाकी आपको कंफ्यूज कर रहा था, बाकी जो था वो क्या कर रहा था, कंफ्यूज कर रहा था। कुल मिला के सिर्फ इतना डायग्राम है आपका और बाकी वो कंफ्यूज कर रहा था। तो यहाँ पर आयत की संख्या 1, 2, 3 ये हो गई, 1 और 2 ये हो गया, इनको सबको जोड़ लिया, 3, 2, 5 और 6, 1 और 2 कितना हो गया, 3। आयत का नियम कहता है कि इनको जोड़ने के बाद रो और कॉलम की संख्या को उनका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 × 6 बराबर कितना होगा, 18। और बाकी जो क्रॉस है इनसे कहीं पर भी आयत का निर्माण नहीं हो रहा, क्रॉस करने से यहाँ पर त्रिभुजों का निर्माण होता है, ना आयत का निर्माण होता है और ना ही वर्गों का निर्माण होता है। तो 7वें का जो आंसर आएगा पहला वाला जाएगा, 7वें का कौन सा वाला, पहला वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइएगा, तो इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 17, 18, 16 या फिर 19, बताइए सभी लोग इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 17 बनेंगे, 18 बनेंगे, 16 बनेंगे या फिर 19 बनेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने है, ध्यान से देखिएगा और बता दीजिएगा कि क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। बोलिए आंसर आया, तो 17 आएगा, 18 आएगा, 16 आएगा या फिर 19 आएगा। दोस्तों अगर पहले ध्यान से देखें, अगर इस छोटे वाले बेस से देखेंगे तो 3 ये बना कर देगा, इस बड़े वाले बेस से देखेंगे 3 ये बना कर देगा। बोलो इतना हमने कर लिया, तो 3 और 3 6 हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि ऊपर का पोर्शन हमने पूरा निकाल लिया, यहां से जे वाला पोर्शन पूरा हमने क्या कर लिया, बना लिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखें, अगर इसको ध्यान से देखें तो एक ट्रिंगल यहां पर है, 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 और एक ट्रिंगल बड़ा वाला 1, 2, 3, 4 और एक ट्रिंगल ये बड़ा वाला, तो 4 और 1 5, 5 ट्रिंगल आपके यहां बनेंगे, 5 ट्रिंगल आपके यहां बनेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिंगल नहीं, ये वाले किनारे वाले ट्रिंगल नहीं है, 1, 2, 3, 4 और ये बड़ा वाला 5, 5 ट्रिंगल यहां बनेंगे, ये तो कहीं 1, 2, 3 और 1, 4 और 1, 5, 5 ट्रिंगल यहां से बन गए, 1, 2, 3 ट्रिंगल यहां से बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3, 1, 4 और 1, 5 यहां से बन गए, तो 6, 5, 11 कितना बन गए, 6, 5, 11 बन गए। ध्यान से देखिएगा, तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो यहां पर कितना बनेगा, 6, 5, 11 और 11, 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 ट्रिंगल हमने बना लिया, कितने बना लिया, 16 ट्रिंगल हमने बना लिया। अब हमें और देखना है क्या कहीं से कुछ और बन रहा है, तो दोस्तों यहां से देखो, ये एक बड़ा वाला ट्रिंगल यहां से यहां तक एक ये बन रहा है, अगर ये इधर से एक बन रहा है तो एक ट्रिंगल ये इधर से भी बनाकर ये वाला देगा, 2 ट्रिंगल यहां बनेंगे, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18, तो 18 ट्रिंगल बनेंगे, और 18 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 8वें का जो क्वेश्चन आएगा 18, तो फाइनली इस छोटे से डायग्राम से हम लोगों ने 18 ट्रिंगल का निर्माण किया है। आप ध्यान से देखिए, एक ये बड़ा वाला नहीं काउंट किया था, एक ये बड़ा वाला काउंट नहीं किया था, तो टोटल यहां से 18 ट्रिंगल बनेंगे, और जिन बच्चों ने 18 आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। मैंने कहा कि थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और अगर आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरत पाओगे तो आसानी से प्रश्न का आंसर कर पाओगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा, कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 24 बनेगी, 28 बनेगी, 22 बनेगी या फिर 26 बनेगी, इसका आपको आंसर करके बताना है। बताओ भाई टोटल यहां पर ट्रिंगल की संख्या कितनी बन जाएगी। चलिए बताइए दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो देखो यहां पर, अगर ध्यान से देखें तो 3 ट्रिंगल यहां पर हैं, 3 ट्रिंगल यहां पर है, ठीक है, इतना हमने देख लिया, 3 ट्रिंगल इसमें है, 3 ट्रिंगल इसमें, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 ये हो गया, इतना हमने देखा। अब देखो ये 1, 2, 3 इधर से, 1, 2, 3 इधर से, तो अब यहां पर 3 ट्रिंगल यहां पर है, 3 ट्रिंगल यहां पर है, तो 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 ट्रिंगल हमने यहां से बना लिया, कितने ट्रिंगल बना लिया,
15 ट्रिंगल हमने यहाँ से बना लिया, और आपको ट्रिंगल की संख्या यहाँ पर ध्यान से बनाना होगा। तो और बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कितने ट्रिंगल बनते हैं, ठीक है। चलिए तो 15 ट्रिंगल हमने बनाया मोटा मोटा, देखें, ठीक है, मोटा मोटा हमने किया। तो तीन यहाँ से बनाया, तीन यहाँ से बनाया, तीन तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, ठीक है। अब इसके बाद और भी हमको सोचना है कि और हम कहाँ से ट्रिंगल का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों इसको हमने एक बड़ा वाला ट्रिंगल जो ये था इसको हमने काउंट नहीं किया था, एक आपका ये हो गया, तो एक यहाँ पर और जोड़ेंगे, 15 × 16, ठीक है, 15 × 16, तीन तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, तो 16 ट्रिंगल ये हो गए। अब इसके बाद और ध्यान से देखें तो एक ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इस प्रकार से जो जा रहा है, एक बड़ा वाला तीन ट्रिंगल ये बनाकर और देगा, तो 15 × 3 = 18, 18 + 1 = 19, 19 ट्रिंगल हमारे यहाँ से बनकर निकल के आएंगे। कितने? 19 ट्रिंगल हमारे यहाँ से बनकर ये निकल कर आएंगे, ठीक है, 19 ट्रिंगल, 19 हमने बना लिया। अब इसके बाद और भी हमको जोड़ना है, क्या और भी हम यहाँ से ट्रिंगल का निर्माण कर सकते हैं? तो और भी ट्रिंगल यहाँ से दोस्तों बनेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रिंगल अगर देखें तो इसको अभी हमने काउंट नहीं किया था, इसको भी अभी हमने काउंट नहीं किया, तो दो ट्रिंगल और बनेंगे। तो 19 + 2 कितने हो गए? 21 हो गए। 19 + 2 कितने हो गए? 21 हो गए। अब इसके बाद यहां से आपको देखना है, ये वाला ट्रिंगल हमने काउंट नहीं किया था, यहां से देखना है तो ये वाला ट्रिंगल हमने काउंट नहीं किया था, तो यहां से अभी हमको और दो काउंट करना है। तो 19 + 2 = 21 और 2 कितने हो गए? 23 ट्रिंगल हो गए। कितने हो गए? 23 ट्रिंगल हमने यहां से यहां तक क्या किया? बना लिया, ठीक है, 23 ट्रिंगल। अब इसके बाद जब 23 ट्रिंगल हमने बना लिया तो इसके बाद और क्या हम यहां से बना सकते हैं ट्रिंगल की संख्या? और दिमाग लगाओ, और भी ट्रिंगल यहां से बनेंगे, हम लोग ध्यान से देख नहीं पा रहे। चलिए 23 ट्रिंगल का निर्माण हम लोग कर चुके हैं, और आगे आप लोगों को सोचना है और बताना है कि, तो चलिए अब तक आप लोगों को मिल गया होगा, तो 23 तो हम लोग ढूंढ चुके थे। अब दोस्तों अब इस वाले बेस को देखना है, इस वाले बेस से देखेंगे यहां से, तो यहां पर 23 और 3 = 26, ये ट्रेंगल बनेंगे। तीन ट्रेंगल अभी हमने और बना लिया, और इसके बाद दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 23 और 3 = 26, 26 ट्रेंगल हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद ये वाले दो ट्रेंगल हमने काउंट नहीं किया था, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो दो और हो गए, 23 + 3 = 26 और 2 कितना बनेगा? 28। तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रेंगल की संख्या जो बनेगी टोटल 28 बनेगी। छोटा सा डायग्राम था लेकिन बहुत ही शानदार डायग्राम था, और इसको बहुत विधिवत तरीके से बनाना पड़ा। तो 9 का जो आंसर होगा दोस्तों वो सेकेंड वाला जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो बताइए इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से काउंट करेंगे तभी वहां तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा यहां से भी प्रश्न क्या हो सकते हैं, आपके गलत हो सकते हैं। बताइए 10 बनेगा, 9 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा, 9 बनेगा, 8 बनेगा, या फिर 11 बनेगा? बताइए नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या तो यहां पर कितना जाएगा? 10, 9, 8, 11। ऑप्शन तो यहां पर मुझे लगता है गलत लिखे हैं। इसको 19 बना लीजिए, इसको 18 बना लीजिए, क्योंकि यहां पर 9, 8 की कोई सवाल नहीं बनता। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बनाइए, सही है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले इस वाले बेस से देखेंगे हम लोग, इस वाले बेस से देखेंगे तो तीन ट्रिंगल ये बनाएगा, इस वाले बेस से देखेंगे तो तीन ट्रिंगल ये बनाकर देगा, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब इसके बाद इतना हमने बना लिया, अब इसमें तो यहां पर एक ही ट्रिंगल बन रहा है, 6 × 1 = 7। इस वाले बेस से बड़ा बड़ा वाला ट्रिंगल 1 = 8, ये 1 = 9 और 1 = 10, तो यहां पर 6 × 2 = 8 और 1 = 1 और 1 = 1, तो टोटल यहां पर ट्रिंगल की संख्या 10 बनेगी। कितनी? 10। और 10 कहां है? ऑप्शन नंबर पहले में। ध्यान से देखिए, इस वाले बेस से देखा तो बड़ा वाला 1 = 3, और यहां से 3 और 1 = 3, 3 = 6 और 1 = 7, ये 8, 1 = 9 और 1 = बड़ा वाला, तो 10। तो टोटल यहां पर 10 ट्रिंगल बनेंगे। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला, 10वें का जो आंसर आएगा पहला वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां देख सकते हैं हिंदी का इंडिविजुअल बैच, जो नया बैच आप लोगों को प्रारंभ किया गया है, उसका बैच यहां पर स्टार्ट है। अगर आप लोग वीडियो के स्पेशल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।
क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर का। आप लोग पहले बताइए, फिर इसके बाद हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर 24 बनेगा, 19 बनेगा, 26 बनेगा या फिर 22 बनेगा, ये आपको बताना है। बताइए इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो दोस्तों अगर शुरुआत करें यहां पर ध्यान से, तो यहां से अगर देखा जाए तो तीन ट्रायंगल ये बनाकर दे रहा है इसमें से ऊपर वाले में, ठीक है, और तीन ट्रायंगल ये किनारे बनाकर दे रहा है। इतना हमने बना लिया अभी तक फिलहाल, ठीक है, और तीन ट्रायंगल इसमें बनेगा और तीन ट्रायंगल इसमें भी बनेगा। और इसके बाद यहां से ध्यान से देखा जाए तो इतना हमने बनाया, तो अगर इसमें देखे तो तीन ट्रायंगल यहां भी बनेगा, तीन ट्रायंगल यहां भी बनेगा, तो तीन तीन एक दो तीन चार पांच छह, तो छह त्रिका कितना हो गए 18। 18 ट्रायंगल हमने यहां से बना लिया। कितने ट्रायंगल? 18 ट्रायंगल हमने यहां से बना लिया। तीन तीन वाले जितने भी बन रहे थे सबसे 18 ट्रायंगल हमने यहां से बना लिया, ठीक है। अब यहां से देखें तो एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है, तो दो और जोड़ लो भाई। यहां से अगर देखें तो एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, दो और जोड़ लो भाई। तो यहां पर 18 दो 20 और दो कितना हो गया 22। 22 ट्रायंगल हमने टोटल यहां पर बना लिया। अब 22 के सिवा और क्या हम यहां पर सोच सकते हैं, क्या और भी ट्रायंगल यहां से बनेंगे? आपको यह ध्यान से देखना था। तो दोस्तों यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से देखो, ये वाला ट्रायंगल तो हमने काउंट कर लिया था। अब यहां से एक बड़ा वाला ट्रायंगल अभी तक हमने इसको काउंट नहीं किया। यहां से एक ट्रायंगल ये इधर बनेगा, एक ट्रायंगल इधर, 22 और दो कितना हो गया 26। और अगर इधर से बनेगा तो इधर से भी एक बड़ा वाला बनेगा और इधर से भी एक बड़ा वाला बनेगा, तो दो और बनेगा, तो 22 दो 24 और दो कितना बन गया 26 ट्रायंगल बनेगा। और अगर आप लोगों ने इसका 26 ट्रायंगल बनाया होगा 11 का, तो ये आंसर आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। देखो सारे छोटे छोटे वाले हमने काउंट किया था, लेकिन बड़े ट्रायंगल जो यहां पर ये वर्ग में बन रहे हैं, ये इस प्रकार का मान लो एक वर्ग है दोस्तों, ये इस प्रकार का एक वर्ग है। और इस वर्ग के जो बड़े वाले ट्रायंगल है ये वाले हमने इस बेस से, दोनों बेस से जो दो दो बनते हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, 8 ट्रायंगल बनते हैं। लेकिन छोटे वाले हमने काउंट कर लिया था, लेकिन बड़े वाले हमने काउंट नहीं किया था, ये आपको ध्यान देना है। तो 22 और 4 कितना बनेगा 26, टोटल यहां पर 26 ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। तो 11 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फिर से यहां पर त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, ट्रायंगल की संख्या पूछ रहा है, तो बताइए यहां पर टोटल कितने बनेंगे। 14 बनेंगे, 16 बनेंगे, 19 बनेंगे या फिर 17 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर सावधानी से करेंगे तो आंसर तक बहुत जरूर पहुंच जाएंगे आप लोग, इतना मुझे उम्मीद है। बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। अगर मोटा मोटे तौर पर देखें तो यहां से अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें ये तीन बनाकर दे रहा है, एक ये बनाकर दे रहा है, एक ये बनाकर दे रहा है, तो तीन और दो कितने हो गए 5। 5 ट्रायंगल यहां से बने। अगर इसमें देखें तो तीन ये बनाकर देख रहा है, एक ये, तो 5 और बन गए, 5 और 5 10, ठीक है। इसके बाद यहां से देखें तो एक ये बन रहा है ट्रायंगल, एक ये बन रहा है, तो यहां पर 4 ट्रायंगल और बन गए, तो 10 और 4 कितना हो गया 14। 10 और 4 कितना हो गया 14, तो 14 ट्रायंगल हमने यहां से बना लिया। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल अभी हमने काउंट नहीं किया, ऊपर एक बनेगा तो नीचे भी एक बनेगा, तो 5 5 10 4 14 और दो कितना हो गया 16, तो 16 ट्रायंगल हमने यहां से क्या कर लिया, बना लिया। और एक आपने ये बड़ा वाला ट्रायंगल अभी काउंट नहीं किया था, तो एक ट्रायंगल ये काउंट कर लेंगे, तो 16 और एक कितना बनेगा 17, तो फाइनली यहां पर 17 ट्रायंगल बनेगा। तो 12 का जो आंसर होगा 14 वाला 17 ट्रायंगल। अब आप लोग एक बार फिर से इसको बना के देख लीजिएगा, मैंने बता दिया कि 17 ट्रायंगल बनेगा और कौन कहां से बनेगा। तो मैंने कहा था कि यहां पर 5 5 इसमें 5 इसमें और 4 इसमें, तो 5 5 10 4 14 ये बन गए थे। और इसके बाद यहां से मैंने कहा था कि एक ये वाला हमने काउंट नहीं किया, 2 इधर और 1 इधर, तो 14 और 3 17, तो फाइनली यहां पर 12 का आंसर जो आएगा चौथा, मतलब यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या जो बनेगी वो 17 निकल कर आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो एक छोटा सा प्रश्न है, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16 बनेंगे, 15 बनेंगे, 17 बनेंगे या फिर 14 बनेंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसमें टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, टोटल यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी बनेगी, ये आपको बताना है। बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही साफ आंसर निकाल के कर पाएंगे। आपको पता है अगर ध्यान से देखें तो ये जो वर्ग है इसमें 8 ट्रायंगल बनेगा और 1 2 3 ट्रायंगल इसमें बनेगा, तो 8 और 3 11 तो हमने यहां पर आसानी से बना लिया।
अब दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो यहां से अगर देखें तो एक ये छोटा वाला बन रहा है, एक ये छोटा वाला बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है, तो यहां पर तीन और बन रहे, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 8 3 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 ट्रायंगल हमने यहां से बना लिया, ठीक है, कितने बना लिया 14 ट्रायंगल हमने यहां से बना लिया। और दोस्तों एक ट्रायंगल हम लोग मिस कर रहे हैं, ये बड़ा वाला, यहां से यहां तक एक और बनेगा, तो 14 और एक कितना बनेगा 15, और 15 कहां है ऑप्शन नंबर सेकंड में, 15 कहां है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस प्रकार से जहां तक हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंट करना है, अगर एक भी ट्रायंगल मिस हुआ तो हमारा प्रश्न वही गलत, क्योंकि हमने 14 बनाया था, 14 ऑप्शन में था, क्योंकि करीब का आंसर जरूर देता है। अगर आप 15 बनाए तो 15 भी है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काउंट कर लिया तो 16 भी है, और एक्स्ट्रा काउंट कर लिया तो 17 भी है, आपको कहीं निकलने नहीं देगा, ये जान लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे होते हैं तो आपको फंसा देगा चार ऑप्शन में, ये बात आपको ध्यान देना है। तो आपको फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, सॉलिड करके निकलना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो यहां पर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताना है, 26 बनेगा, 22 बनेगा, 24 बनेगा या फिर 34 बनेगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसको सावधानी से काउंट करेंगे तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा वहां तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन कार्य भी हो सकता है। बनाओ भाई, 26 बनेंगे, 22 बनेंगे, 24 बनेंगे या फिर 34 ट्रायंगल बनेंगे, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, तो देखो ऊपर वाले में देखें तो तीन यहां पर ऊपर दिख रहा है, तीन नीचे दिख रहा है, तो तीन और तीन कितने हो गए 6, तो 6 तो हमको साफ साफ दिख रहे हैं, तीन ये और तीन ये, ठीक है, 6 आपको ये दिख रहे होंगे सभी को। अब इसके बाद तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, इधर तीन ये और तीन ये, तो तीन और तीन 6 और हो गए, बोलो हो गए कि नहीं हो गए, तो तीन और तीन 6 ये हो गए। अब देखो ध्यान से, अगर यहां से देखा जाए तो इसमें बड़ा वाला एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 4 और हो गए, 6 12 और 4 16, 16 ट्रायंगल हमने इतने में ही बना लिया, ठीक है, 16 ट्रायंगल हमने इतने में ही बना लिया। अब इसके बाद दोस्तों हमें ध्यान से देखना है क्या हम और ट्रायंगल बना सकते हैं, तो देखो यहां से देखा जाए अगर तो एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, यहां कितने बन गए 4 ट्रायंगल और बन गए, तो 4 और जोड़ लेंगे, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो 4 और जोड़ लें, तो 6 6 12 4 16 4 20 4 24, तो यहां पर 24 ट्रायंगल हमने बना लिया, कितने 24 ट्रायंगल हमने यहां पर क्या किया बना लिया। अब इसके बाद जो मोटे मोटे थे उसको हमने काउंट कर लिया, अब एक्स्ट्रा हमें थोड़ा कंसंट्रेट करके ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या और भी ट्रायंगल का हम निर्माण कर पा रहे हैं। दोस्तों यहां से देखें इस वाले बेस से, तो इस वाले बेस से देखें बड़े वाले बेस से, जो बड़ा वाला बेस आपका जा रहा है यहां से यहां तक, तो तीन ट्रायंगल ये बना कर देगा, और ये बड़ा वाला बेस जो यहां से यहां तक आ रहा है तीन ट्रायंगल ये बना कर देगा, तीन तीन 6, तो 6 ट्रायंगल और बन गए, तो 24 और 6 कितना हो गया 30, तो 30 ट्रायंगल हमने यहां पर बना लिया, कितने 30 ट्रायंगल हमने यहां पर क्या कर लिया बना लिया। क्या और भी हम यहां से ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं, 30 तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, और इसके बाद और भी हमें सोचना है, क्योंकि 30 ऑप्शन में तो है नहीं, तो मतलब 30 से अधिक ही होगा, और 30 से अधिक यहां पर हो सकता है 34, अब 34 में से 4 ट्रायंगल और बन रहे होंगे, अब वो 4 कौन से हैं ये हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो 4 ट्रायंगल कौन से जो हम लोग काउंट अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो देखो एक ट्रायंगल यहां से यहां तक एक इस कोने में है, तो एक इस कोने में, तो एक इस कोने में, तो यही 4 ट्रायंगल हैं जो छूट रहे हैं, अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये 4 ट्रायंगल ध्यान से देखें, ये 4 ट्रायंगल जो हम लोग अभी तक ये बड़ा वाला यहां से यहां तक काउंट नहीं किए थे, एक ट्रायंगल ये है, अगर ये एक इधर बन रहा है तो एक इधर भी बनेगा, इसी प्रकार से यहां से एक इधर भी बनेगा, और एक यहां से बड़ा वाला इधर भी बनेगा, तो ये 4 ट्रायंगल, तो 30 और 4 कितने हो गए 34, तो फाइनली यहां पर 34 ट्रायंगल बनेंगे, तो 14 का जो आंसर होगा चौथा वाला 34 ट्रायंगल। और अगर आप लोगों ने टोटल 34 ट्रायंगल बनाया है तो ये प्रश्न आपका निसंदेह क्या करेगा सही हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, बताइए यहां पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल यहां पर कितने त्रिभुज बनेंगे ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताओ दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो ये तो आसान होगा आप सबके लिए, देखो यहां पर तीन तीन 6 यहां बनेंगे, तीन तीन 6 यहां बनेंगे, और तीन यहां बनेंगे, तो 6 6 12 3 15, 15 ट्रायंगल ये बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो और बन गए, तो 15 और दो कितना हो गया 17, और 17 ऑप्शन में है, लेकिन ऑप्शन देख के नहीं करना, क्या कोई और बड़ा वाला ट्रायंगल तो नहीं सॉरी कोई और बड़ा वाला ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, तो यहां से देखा तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब 17 ट्रायंगल बनेंगे, तो 15 का जो आंसर होगा सेकंड वाला, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या 17।
तो यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसमें से हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, इसके बाद सामान्य हिंदी का है, ज्योग्राफी का है और इंडियन ज्योग्राफी का मतलब पॉलिटी का भी यहाँ पर आपको जो है ई बुक्स के रूप में चीजें अवेलेबल कराई गई हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो है ट्रेंगल के 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला को बहुत ही शानदार तरीके से इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आप लोग सब लोगों बढ़िया से किया होगा और चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इन क्वेश्चनों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर दो दो बार भी पढ़ लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर अपने आप में इंप्रूवमेंट पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको जो है 12 बजे वाली लाइव क्लास में। वो 12 बजे चलेगी क्योंकि कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास टाइम से नहीं जा पाई थी, लेकिन आज आपकी जो है क्लास टाइम से जाएगी। ठीक है, थैंक यू सभी के, नमस्कार, वंदे मातरम।